हे गाइस, देखो कुछ गिरे हुए स्टॉक हैं, उनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है क्योंकि अभी वो सस्ते मिल रहे हैं। अभी सपोज़ मान लो कि कोई स्टॉक यहाँ से यहाँ गिरा हुआ है, तो मतलब क्या हुआ, इतना दूर का जो रिस्क था वो कम हो चुका है। ऐसा है, रिस्क कम हो चुका, अब लिमिटेड रिस्क बचा। अगर यहाँ से गिरता भी है तो लिमिटेड रिस्क है, ऐसा नहीं है कि पूरा कंपनी ख़त्म हो जाएगा। होने के लिए तो उससे देखिए, विप्रो भी गिरा हुआ है, इन्फोसिस भी गिरा हुआ है, एलएनटी, लार्सन एंड टुब्रो जो इन्फोटेक आपको देखने को मिल रहा है, वो स्टॉक भी गिरा हुआ है, जो माइंट्री के साथ मर्ज हो गया, माइंट्री भी गिरा हुआ था। तो ज़रूरी नहीं है कि गिरे हुए स्टॉक है तो वो ख़त्म हो जाए करके, कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है। जैसे हम देखते हैं ये जो स्टॉक है 400 रुपये के बाजू में ये गया था, तो और देखते हैं लंबे समय से, तो लंबे समय में ये स्टॉक जो है 600 रुपये के बाजू में भी गया था। कितने, 600 रुपये के बाजू में। उसके बाद से ये बहुत तगड़ा गिरावट देखने को मिला, समझो 600 रुपीज़ का स्टॉक ये आ चुका था सर 134 रुपीज़ के बाजू में। इतना तगड़ा गिरावट ये देखने को मिला था, इंडियन हम पाइप कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि सर ये स्टॉक गिरा हुआ है तो कंपनी ख़राब है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिला था। आप लोगों ने देखा होगा, सूर्य रोशनी आधा हो चुका था, आज डबल है। शक्ति पंप आधा हो चुका था, आज डबल है। न्यूलैंड लेबोरेटरीज आधा हो चुका था, आज डबल है। और उसके साथ साथ आर सिस्टम इंटरनेशनल आधा हो चुका था, डबल है। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर, केवल किरण क्लोथिंग, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो आधा हो चुके थे लेकिन आज डबल ट्रिपल है सर। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि गिरे हुए स्टॉक ख़राब नहीं होते हैं, बस मैं इतना ही आपको साबित करना चाहता हूँ कि गिरे हुए स्टॉक ख़राब नहीं होते। जब वो चलना स्टार्ट करते हैं तो दिमाग ख़राब कर देते हैं कि भाई इतना भाग गया, उतना भाग गया, काश पहले देखा होता। तो गिरते समय में डर लगता है और भागते समय में और ज़्यादा डर लगता है कि हाथ से निकल गया। तो मैं आपको बोलूँगा, इंडियन होम पाइप लिमिटेड, हम पाइप लिमिटेड, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ध्यान रखिए, अच्छा रहेगा। और गिरता है तो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। देखिए, गिरावट से बड़ी चीज़ और कुछ होती ही नहीं सर, गिरावट से बड़ी कुछ और कुछ होती नहीं है। जितना गिरेगा उतना ज़्यादा फायदे वाली बात रहेगी। और यहाँ तक कि हमारी बात तो छोड़िए, प्रमोटर्स ने भी हिस्सेदारी बढ़ा रखी है। देखिए, पहले इनके पास 69 था, फिर देखिए 72%, तो प्रमोटर्स ने भी हिस्सेदारी बढ़ा रखी है। प्रमोटर्स को भी लगता है कि हाँ भाई ये कंपनी अच्छी है। जब कंपनी के मालिक को डर नहीं है तो भाई हम जैसे लोगों को क्यों डर होना चाहिए, हम तो आम हैं। हो सकता है कि कंपनी का हम 100 शेयर खरीद लेंगे, 200 शेयर खरीद लेंगे, लेकिन सर पूरी कंपनी तो प्रमोटर्स के ऊपर ही डिपेंड है। कंपनी गिरा तो प्रमोटर्स ख़त्म, समझो, प्रमोटर्स ख़त्म तो कंपनी ख़त्म यहाँ पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसके पास है, प्रमोटर हुआ। हम कितना खरीद लेंगे, हम कुछ नहीं खरीदेंगे सर, हम तो 100 250 क्वांटिटी बस, तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं। कंस्ट्रक्शन के फील्ड में कंपनी काम करती है, पाइप वगैरह बनाती है, ये सारे पाइप का फ्यूचर में डिमांड जितना ज़्यादा होता है। देखो जैसे कि ये पावर जनरेट करने के लिए डैम उम टाइप का जो होता है ना, हाइड्रो पावर कुछ बोलते हैं उसको, वो उसके लिए भी काम करती है कंपनी। और ये जो बड़े बड़े जो पाइप टाइप का कंपनी बनाती है ना सर, ये बड़े बड़े मतलब जो है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है बड़े बड़े पाइप, और इसका कॉन्ट्रैक्ट बड़े बड़े कंपनी लेती है। और ये पीने वाले पानी के लिए भी काम करती है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी कंपनी काम करती है। और इंडिया जितना ज़्यादा डेवलप होगा, इस सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये देखते हैं, इतना बड़े बड़े जो पाइप होता है ना, फिर ये मतलब हर जगह लगाना पड़ता है। और ये छोटे छोटे कंपनी नहीं करती है सर, ये बड़े बड़े कंपनी करती है और गवर्नमेंट भी करती है। ऐसा होता है अंदर से बाहर से सारी चीज़ों को सेट करना। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बस ध्यान रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आज अच्छा मौका है कल ना रहे। इनके पास बड़े बड़े क्लाइंट भी हैं जो बहुत बड़े लेवल में कंस्ट्रक्शन के लिए काम करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए काम करते हैं। जैसे बताया जा रहा है एलएनटी, लार्सन एंड टुब्रो, जो इंडिया की सबसे बड़ी मतलब समझो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, एचसीसी, एनसीसी, टाटा पावर, और भी बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे जो पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएंगे, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड कंपनी, इनको भी तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं सर, तो वो लोग भी सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं इनके ऊपर। कंपनी के पास बताया जा रहा ऑर्डर बुक 3112 करोड़ का, और भी नए ऑर्डर आते रहते हैं सर, नए नए ऑर्डर जो है आते रहते हैं, ऐसा है। तो नए नए ऑर्डर आते रहेंगे, जितना ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा उतना ज़्यादा ऑर्डर आता रहेगा। अब फ्यूचर में और कितना ऑर्डर आएगा ये बोलना मुश्किल है, लेकिन अभी कंपनी के पास सफिशिएंट और ठीक ठाक ही ऑर्डर है। अब समझो कि 1000 करोड़ की कंपनी के पास 3000 करोड़ का ऑर्डर है, जिसका मतलब 2 गुना 3 गुना ऑर्डर, तो क्या टेंशन वाली बात है, अच्छी अच्छी बात है उसके लिए तो। और इनके पास ज़्यादा देखोगे डेट से भी टेंशन वाली बात नहीं है, बोरिंग है, बोरिंग अगर आप देखो तो है 600 करोड़ का, लेकिन सर इनके पास रिज़र्व भी तो है 686 करोड़ का, रिज़र्व तो ज़्यादा ही, तो रिज़र्व भी संभाल लेगा उधर, तो रिज़र्व भी है, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आज के डेट में देखो वो कंस्ट्रक्शन वाले देखिए कितने सारे स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा भाग रहे हैं, पीएनसी, इंफ्राटेक, बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये स्टॉक अभी और भागने वाला है। एनसीसी भी देखिए नीचे 16 रुपये पर जा चुका था कोविड के टाइम में, आज देखिए कहाँ पर चल रहा है। आरवीएनएल के बारे में तो पता ही है भाई, रेल विकास, ठीक है। और इसी तरीके से जितने भी बड़े वाले स्टॉक हैं, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सारे स्टॉक्स ने अच्छा रिटर्न दे रखा है, तो जो वो नहीं चले हैं उनके ऊपर ध्यान रखिएगा, तो फ्यूचर में हो सकता है बड़ा रिटर्न देखने को मिल पाए।
और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमेट अकाउंट फ्री होगा, डिलीवरी चार्जेस फ्री होगा, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल आराम से फ्री में।